एनएक्सी भवन सभागार में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा आईआरएस इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम एवं ग्राम आपदा प्रबंधन एवं जलवायु संरक्षण VDMCR विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक में शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में जनपद में आपदा के दौरान आईआरएस को लागू किए जाने तथा ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना निर्माण के संबंध में जनपद स्तरीय अधिकारियों को उनके कार्य एवं उत्तरदायित्व से अवगत कराया गया। समस्त तहसीलों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत का व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करें और उसमें सभी कर्मचारियों को एवं ग्राम प्रधान को अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए, जिससे कि ग्राम स्तर पर यदि कोई घटना घटित होती है तो उसका सत्यापन करते हुए त्वरित कार्रवाई की जा सके। समस्त तहसीलें संवेदनशील क्षेत्रों के आधार पर पूर्व से ही स्टेजिंग एरिया का चयन सुनिश्चित कर लें, जहां पर राहत और बचाव कार्य एजेंसियों को तैनात किया जा सके और समुचित संसाधन एकत्रित की जा सके। बैठक में डिप्टी कमांडेंट PL शर्मा NGRF ने राष्ट्रीय, राज्य एवं जनपद स्तर पर आपदा प्रबंधन के तंत्र के संबंध में सभी को अवगत कराया। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा डिप्टी कमांडेंट NGRF PL शर्मा को सम्मानित किया गया। साथ ही NGRF के नवागत डिप्टी कमांडेंट प्रेम पासवान को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। राहत और बचाव कार्य में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए सभी के कार्य और उत्तरदायित्व का निर्धारण सुनिश्चित किया गया। इस बारे में इंसिडेंट कमांडर एवं ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि आपदा के समय किस प्रकार से किस अधिकारी को अपने दायित्वों का निर्वहन करना है, इस संबंध में बैठक की गई है कि यदि कोई आपदा आती है तो उसमें एक इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम बनाया गया है। उन्होंने बताया कि नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन बाढ़ की अभी कोई आशंका नहीं है। इस अवसर पर अपर जिला अधिकारी वित्त राजस्व, मुख्य राजस्व अधिकारी, पुलिस अधीक्षक यातायात, पुलिस अधीक्षक क्राइम, नगर मजिस्ट्रेट, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार, डिप्टी कमांडेंट NDRF, जिला सूचना अधिकारी, उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, SDRF, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अपर CMO, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड 2, ड्रेनेज खंड, प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग, पूर्वांचल विद्युत वितरण खंड, आपदा विशेषज्ञ एवं जनपद स्तरीय समस्त अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इंसिडेंट कमांडर एवं ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, सूचना है और ये अधिसूचना मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी की गई है। इसका मतलब इसका बहुत महत्व है, हमारे प्रशासन के सर्वोच्च स्तर से जारी की गई है। इसमें आप देखें कि सबसे पहला पद है रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, उत्तरदायी अधिकारी। तो ये पद इस अधिसूचना के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट महोदय का है, ठीक। तो DM साहब उत्तरदायी अधिकारी हैं और उत्तरदायी अधिकारी के रूप में वो अपने आवास के कार्यालय में उपलब्ध हैं। इसके बाद आप देखिए, चार्ट देखिए, इसमें इंसिडेंट कमांडर है। इंसिडेंट कमांडर का मतलब समझिए, इंसिडेंट कमांडर का उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, ठीक। तो पूरे भारतवर्ष में एक इंसिडेंट कमांडर है, उत्तर प्रदेश में ADM फाइनेंस आपदा का प्रभारी है, इसलिए एक ही प्रकार की तीन स्तर पर घटनाएं हो गई तो वो तीन इंसिडेंट के रूप में हो सकता है। और इंसिडेंट कमांडर एक वहां पर कमांड पोस्ट बनाई, एक घटना हुई है अगर कहीं पे तो इंसिडेंट कमांडर ADM फाइनेंस करेगा। अब इंसिडेंट कमांडर के रूप के साथ डिप्टी इंसिडेंट कमांडर के रूप में, तो बाई डिफॉल्ट आप नगर मजिस्ट्रेट साहब डिप्टी इंसिडेंट कमांडर हो जाएंगे और तहसीलों में है तहसील साहब आप हो जाएंगे। अपना दायित्व आप समझे रहेंगे फॉर्म में, तो ये हम सभी इंसिडेंट कमांडर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आप देखिए इंसिडेंट कमांडर को कहां से कैसे सपोर्ट मिल रहा है। एक सपोर्ट है इंसिडेंट होता है उसको डिस्क्लोज होना चाहिए पब्लिक डोमेन में, नहीं तो लोगों को हमेशा कौतूहल रहता है या इधर उधर में। और डिटेल हम अभी आगे चर्चा करेंगे, ये बुक से जब आएंगे तो आप पढ़ेंगे इंसिडेंट कहते किसे हैं और कैसे इंसिडेंट आपको रिपोर्ट होगा, कि दायित्व होगा घटना की इंफॉर्मेशन प्राप्त करके उसको पब्लिक डोमेन में डाल देना, इतनी जल्दी आपको मालूम पड़ेगा।
इंसिडेंट कमांडर का जो डिप्टी इंसिडेंट कमांडर है वो नगर मजिस्ट्रेट साहब है, एसडीएम साहब है और लाइजन ऑफिसर के रूप में तहसीलदार साहब है। ओएस चीफ बोलते हैं, ऑपरेशन सेक्शन चीफ ये एसएसपी साहब होंगे, ठीक है। किसी भी जनपद के रखेंगे, हमारा जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होगा तब हमारा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनेगा, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। तो जो एसएसपी साहब होंगे वो डीईओसी में बैठेंगे। अभी हमारा जो डीईओसी है वो दो जगहों पे है, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एक तो हमारा डीडीएमए में है, हमारी आपदा कार्यालय में है और हमने आपदा के समय उसको ई डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट कर दिया था। हमारा ई डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से इक्विप्ड है, अधिकारियों के वहां बैठने की व्यवस्था है, कम्युनिकेट करने की व्यवस्था है। जब भी कोई आपदा आएगी तो एसएसपी साहब ई डिस्ट्रिक्ट में बैठेंगे जहां इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाया गया है। अब जो ऑपरेशन सेक्शन है देखिए उसमें क्या क्या चीजें हैं। ऑपरेशन सेक्शन में एक है स्टेजिंग एरिया, ठीक, एक है हमारा स्टेजिंग एरिया, दूसरा है हमारा ट्रांसपोर्ट ब्रांच और तीसरा है हमारा रिस्पांस ब्रांच है। स्टेजिंग एरिया, रिस्पांस ब्रांच आरबी और ट्रांसपोर्टेशन ब्रांच, ये सब हमारा ऑपरेशन सेक्शन चीफ के अधीन रहेंगे और ईओसी से मैनेज होंगे, ईओसी के माध्यम से ही इनको। तो अब देखिए जो स्टेजिंग एरिया है उसका तात्पर्य ये है कि जैसे कहीं पर भूकंप आ गया, ठीक, तो यदि भूकंप तो आया खजनी में तो जो हमारा स्टेजिंग एरिया बनेगा वो बनेगा वहां का कोई भी ऐसा बड़ा पार्क, जैसे तहसील ब्लॉक कार्यालय या कोई हमारे पास बड़ा सा स्कूल का मैदान, खूब बड़ा मैदान होना चाहिए, उसको हम कहेंगे स्टेजिंग एरिया, एरिया में पहुंचाना है। जैसे ही कोई घटना रिपोर्ट होगी सभी ऐसे लोग जिनको स्टेजिंग एरिया में पहुंचना चाहिए। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, ईडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं। आज हम लोग इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम अर्थात आपदा के समय किस प्रकार से किस अधिकारी को किन दायित्वों का निर्वहन करना है उस पर हम लोग एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। आप जैसा कि सामने अभी देख लेंगे प्रत्येक अधिकारी का दायित्व निश्चित है। यदि कोई आपदा आती है निश्चित रूप से वो अचानक ही होती है या तमाम आपदाएँ कुछ लंबे समय के लिए होती हैं, उसमें एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम बनाया गया है जिसके तहत ये है कि मैं उसमें इंसिडेंट कमांडर हूँ, जिलाधिकारी महोदय रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं, इसी तरह से प्रत्येक अधिकारी के दायित्व निश्चित हैं। उन दायित्वों के निर्वहन के लिए प्रत्येक अधिकारी को कैसे कार्य करना है उसी का हम लोग आज इनको प्रशिक्षण देंगे, लगभग एक घंटे का रहेगा। सर, नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है, क्या लोगों को? नदियों में तो अभी जलस्तर बढ़ रहा है लेकिन बाढ़ की कोई ऐसी आशंका नहीं है। अभी मेरा अनुरोध है सभी लोगों से, जो लोग प्रतिवर्ष, तमाम लोग ऐसे हैं जो नदी में डूब करके असामयिक मृत्यु हो जाती है उनकी, मेरा अनुरोध है नदी में जाने के पहले ये जरूर देख लें कि आपको तैरना आता है या नहीं आता। और कभी भी जब नदी में अधिक पानी है, बाढ़ का प्रभाव है, तब नदी में ना जाएं।